फैज, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मेरा नाम है अलीस। और मैं हूं मोहम्मद। और मैं हूं ज़फर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं एपिसोड 13 का। भाई 13 मतलब के नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं कि पिछले पार्ट में जैसा आपने देखा, अब सती जी आए हैं इधर भाई, तो मिलेंगे प्रजापति जी से, तो देखते हैं अभी वीडियो, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। पूजन का समय हो गया है, लेकिन माँ देखो सती, तुम ब्राह्मण पुत्री, हर परिस्थिति में अपने मन पर नियंत्रण रखना तुम्हारा दायित्व है पुत्री, और विशेषकर पूजन का। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, न जाने पिताजी कितने क्रोधित हो रहे होंगे। सर अपने पे नियंत्रण रखो, तुम जानती हो ना, तुम्हारे वेद पाठ के बिना ये संध्या पूजन अपूर्ण है। जा, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है जी। प्रजापति तो समझा चलेगी पीछे, लेकिन नहीं नहीं उतरी। प्रजापति जितना भी जोर लगा लेना, बहुत मुश्किल है इनके लिए। क्या है? शुक्लं वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नो वाशं। व्यासं वशिष्ठनपारं सत्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकधातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे डर भी रहे नमो वै ब्रह्मनिदये। वशिष्ठाय नमो नमः।
अब कुछ बोलेंगे। प्रजापति बहुत ना सुखी जैसे शोक आ रहा है आपको अंदर से, इतनी क्रोध नहीं, आप सही तरीका अपनाया उन्होंने भी। शंकाओं और प्रश्नों का अंधकार बढ़ता जा रहा है और मैं उनमें भटकती जा रही हूँ। उजाले की एक भी किरण दिखाई नहीं दे रही, बहुत मुश्किल है अंधकार में दिशा दिखा सके। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वैसी किसी भी और परिस्थिति का सामना करने की शक्ति नहीं है मुझ में। मैं थक गई हूँ पिताजी, मैं थक गई हूँ। बाकी तुम्हारा कोई दुख, कोई शंका, कोई प्रश्न ऐसा नहीं जिसका समाधान तुम्हारे पिता के पास हो। क्या आप सही बात है, संकोच का हो पुत्री। क्यों आया था वो यहाँ पिताजी, क्या चाहिए उन्हें, क्यों मुझसे मेरा सुख चैन छीनना चाहते हैं, क्यों पिताजी? ये मैं क्या देख रहा हूँ? प्रजापति दक्ष की पुत्री के मुख पर ये भय, किसका? इस भय का एक उपाय है अमात्य। यार ये इसका वो स्पेशल बंदा है। जी प्रजापति। सभी नगरवासियों को सूचित करो कि प्रजापति दक्ष उनसे मिलना चाहते हैं। अब कोई बड़ा स्टेप नहीं जो आज्ञा प्रजापति। आज तुम देखोगे पुत्र कि तुम्हारे पिता के समक्ष संसार की बड़ी से बड़ी शक्तियां कितनी निर्बल है। नंदी जी बहुत गुमसुम है यार, ये इसको आ गए अब तंग करने। आपके मामा श्री आए हैं। उदास उदास अभी क्या हो गया? जैसे तुम जानते ही नहीं हो, इतना नाटक क्यों करते हो? बार बार मना करने के बाद भी पहुंच जाते हो वही रट्टा मारते हुए। देवी ले आइए, देवी ले आइए। क्या लाऊं?
हाँ जी गाइस, तो जैसा हमने देखा बिल्कुल भाई नंदी जी को तंग करने ये आ गए हैं दोनों। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो चीज़ें काफ़ी नॉर्मल नहीं हैं, क्योंकि अब सती जी को आप देख लें कि वो तो अपना, क्योंकि उनका वही है कि उनको बेकसूर है और ना कोई उनका बीच में कोई लेना देना, और वो ऐसे ही साथ साथ चल रही हैं। लेकिन ये कि चीज़ें ये बीच में चलनी हैं, तो इसीलिए अब वो आए हैं भाई प्रजापति के पास। तो वो तो अपना भाई तपस्या कर रहा है, सॉरी अपना बैठे हुए थे भाई मंदिर में। लेकिन आगे अब देखो वो मिले हैं उनसे भाई, तो अब बताएंगे अपने प्रजा से मिलकर या अपने बारे में कुछ, तो ये चीज़ें आगे देखेंगे भाई। सत्य जी भाई काफ़ी एक ना कंफ्यूज हो चुकी है उनको, मतलब कि कोई चीज़ एक समझ नहीं लग रही कि वो करें और करें क्या, क्योंकि पहले जैसे एक पिताश्री ने भाई एक दंड दिया हुआ था, एक मतलब के कार्य आपने करना है, वो भाई एक मतलब के फूलों पर ही शिव जी का नाम लिख दिया 1,00,000 फूल पर, वो भी कंफ्यूजन काफ़ी थी। लेकिन प्रजापति वो भी एक चीज़ जैसा कि वो सह कर गए और कंट्रोल कर गए, ऊपर से अब जब मतलब के महल से निकले हैं तो आगे से भाई नंदी जी एक भेष बदल कर आ गए थे फूल लेने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि फूल कहीं और जगह फेंकें। लेकिन फिर भी अब प्रजापति ने फिर देख लिया नंदी जी को और फिर गुस्सा और क्रोधित से एक लालो लाल हो गया। बिल्कुल, लेकिन ये कि आप जो फार्मूला वो मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो काफ़ी हद तक जो है ना वो ठीक है। उससे ये है कि सती जी जो है ना वो भी काफ़ी हद तक सेफ रहेगी, लेकिन ये कि उनको वो परेशान ज़रूर एक दफ़ा करते हैं कि मतलब उनकी तरफ गुस्से से देखना, ताकि उनको फील भी होता रहे ठीक है। और साथ जब वो मतलब एक थोड़ा सा गैप मिलता है उसके बाद जो है ना वो अपने आप को एक रिलैक्स शो करवाते हैं कि मैं आपके वाले से क्रोधित नहीं था, या आपके वाले से मुझे कोई गुस्सा नहीं किसी किस्म का, जो इसके पीछे जो मामला चल रहे हैं ना, मैं उसके ऊपर जो है ना वो मुझे गुस्सा आ रहा, मतलब इस तरह करके उनको फील करवा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ उनको अब क्लियर हो चुकी है कि मैं इस दल दल में जो है ना वो फंस रही हूँ, मतलब ना कोई समझ नहीं लग रही, तो जिसके ऊपर वो भी गुस्सा हुए हैं। प्रजापति एक दर्शक काफ़ी एक ना मतलब कि उनसे काफ़ी एक भय उनको लगता है, क्योंकि एक जो चीज़ें करनी वो उससे भय लगता है, और ऊपर से जो एक महादेव जी का एक मामला है ना उससे, तो भाई प्रजापति एक नाम सुनते ही ऐसे एक मतलब कि उनको करंट सा लग जाता है। तो इसी वजह से अब भाई उन्होंने बोला है कि आप जितने भी मंत्री हैं उनके एक मतलब के राइट हैंड आया वो गंजू, उसको बोला है कि आपने जितने भी मंत्री हैं ना उनको बुला कर ले हैं, लिहाजा अब हम एक मतलब के एक एक सख्त निर्णय लेंगे। लेकिन देखते हैं कि अब वो आगे क्या फैसला करते हैं, ये तो अब नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।